11 કિલોમીટર સુધી બાઇકર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલા ફાયરિંગના પડઘા સમગ્ર દેશમાં પડ્યા છે, ત્યારે સુરત ખાતે વિશ્વ હિન્દી ભાષા દિવસની ઉજવણી માટે આવેલા લોક જનશક્તિ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ચિરાગ પાસવાને બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર ઉપર સીધું નિશાન તાક્યું હતું. તેમણે નીતિશ કુમારના રાજીનામાની માંગણી કરવા સાથે જ બિહારમાં ઝડપથી રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થશે એવી ભવિષ્યવાણી પણ કરી હતી. मुझे लगता है कि अपराध की इससे बड़ी परिकाष्ठा और नहीं हो सकती. ये घटना अपने में प्रमाण है कि किस तरीके से अपराधियों का मनोबल बिहार में हद से ज्यादा बढ़ गया. खास तक जब कोई आपराधिक घटनाएं होती थी तो लोगों को टारगेट किया जाता था, लोगों को चिन्हित किया जाता था कि भैया इसकी हत्या करनी है. पर इसमें बिना किसी को चिन्हित किए हुए बेखौफ तरीके से अपराधी बंदूक लहराते हुए खुलेआम धनाधन 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 गोलियां वहां पर चलाते गए. आम बिहारी उसमें घायल हुए, आम बिहारियों की उसमें मृत्यु हुई. एक इंजीनियर संभवतः जिनकी दुखद इसमें मृत्यु हुई. ये दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना ज्यादा बढ़ा हुआ. ऐसी आपराधिक घटनाएं हाल फिलहाल के वर्षों में हम लोगों ने कभी राज्य के प्रदेश के देश के किसी दूसरे राज्य में भी हम लोगों ने ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना जहां पे अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया. और ये दर्शाता है कि कानून का खौफ हमारे राज्य से बिल्कुल पूरी तरीके से उठ गया. अपराधी बेखौफ तरीके से कानून को अपने हाथ में उठाते हैं. कानून सबसे ज्यादा चरमराया आज की तारीख में अगर किसी राज्य में है तो बिहार में है. और अगर इसमें कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त हो तो उसमें भी कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए. भाई आधे पौने घंटे तक बाइक सवार घूम रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है. ये तो साफ दर्शा रहा है कि भैया पुलिस का संरक्षण प्राप्त है. और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार के दर्शन करने में लगे हुए प्रधानमंत्री बनने के लिए, भाई जो मुख्यमंत्री का दायित्व पूरा नहीं कर पाए. और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं. जो मुख्यमंत्री ढंग से नहीं बन पाए वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं. ऐसे में तत्काल प्रभाव से भाई ये जितनी बड़ी घटना है, मान लीजिए कल को अगर दर्जनों मासूमों की इसमें हत्या हो जाती, बुजुर्गों की हत्या हो जाती, महिलाओं की हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? और अभी भी जो हत्याएं हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे में तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए. एक क्षण भी मुख्यमंत्री अपने पद पर रहने के अब योग्य नहीं है. हम लोग मांग करते हैं कि इस घटना के मद्देनजर और ऐसी कई और हजारों और घटनाएं जो इनके शासन काल में हुई हैं, जिसको ये सुशासन काल बोलते हैं, जितनी घटनाएं हुई हैं मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए. बहुत जल्द बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा. जिस तरीके से बिहार में एक अराजक माहौल है, मंत्रियों का आपस में तालमेल नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री के मुंह पे जवाब देते हैं, मंत्री अपने आप को चोरों का सरदार बोलते हैं, एक के बाद एक जिस तरीके से इनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं विवादों में, कानून मंत्री इनके फरार चल रहे हैं, कृषि मंत्री अपने आप को चोरों का सरदार बोलते हैं, ऐसे में जो अराजक माहौल बिहार में उत्पन्न हो रहा है, बहुत जल्द ये सरकार गिरेगी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और जल्द बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होगा.